सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक मोबाइल फ़ोन को, जिस मोबाइल फ़ोन का नाम है MI 11X। इस वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूँ, कैसा मोबाइल है, क्या प्रोसेसर है, कैमरे के बारे में, बैटरी के बारे में और भी इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ, इस मोबाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी ये मोबाइल है। ठीक है, तो इसी की मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। अनबॉक्सिंग करने से पहले आप लोगों को कुछ इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये स्नैपड्रैगन 870 है। इसमें 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस AMOLED डॉट डिस्प्ले मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, इसका 360 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का AL कैमरा मिल जाता है। और जो इसकी बैटरी है फ्रेंड्स, वो 4520 mAh की बैटरी है विथ 33 वॉट फास्ट चार्जिंग हम लोगों को इधर मिल जाता है। ठीक है, और ये जो फ़ोन मैंने बुक किया है वो कॉस्मिक ब्लैक का है। 8 GB रैम, 128 GB रोम के साथ आप लोगों को मिल जाता है। इसका जो बेस वेरिएंट आता है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को 6 GB रैम, 128 GB रोम के साथ आप लोगों को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया, आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने उधर ही ओपन कर लिया था, अभी आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग इसको कवर निकाल के साइड में रखेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा बॉक्स में कवर आता है वो ये कवर रहता है फ्रेंड्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं सिंपल ब्लैक कलर कवर है, डिजाइन बाय Xiaomi इधर लिख के है, पीछे कुछ भी नहीं लिखा है। तो जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो एक सिम इजेक्टेड टूल मिल जाता है हम लोगों को, और एक कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और इसके अंदर एक हम लोगों को ट्रांसपेरेंट कवर भी मिल जाता है ये MI 11X का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर कुछ नहीं रहता है। और अगर मैं इसकी बात करूं फ्रेंड्स, तो ये अडेप्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो है ईयरफोन का जैक नहीं दिया गया है 3.5 mm का। तो जहां से आप लोग चार्जिंग करते हैं उसका ही अडेप्टर दिया गया है, उसमें आप लोग 3.5 mm जैक अडेप्टर को यूज़ करके लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको साइड में रखते हैं, इसको मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये हमारा मेन मोबाइल है फ्रेंड्स। हम लोग सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, बॉक्स को साइड में रखते हैं, ये बॉक्स को भी साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा मेन मोबाइल है फ्रेंड्स। आगे से ऐसा दिखता है, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी आप लोगों के सामने इसको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कॉस्मिक ब्लैक कलर का मैंने ये मोबाइल मंगाया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कलर इसका है। साइन कर रहा होगा आप लोगों को, मेरा कैमरा भी नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। पीछे से कुछ इस टाइप से दिखता है ये मोबाइल, और आगे से कुछ इस टाइप से दिखता है। तो अभी आप लोगों के सामने मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को आगे का बता देता हूँ कि और बॉक्स में क्या क्या मिलता है हम लोगों को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग और देखेंगे तो और हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। इसके अंदर हम लोगों को एक टाइप सी का केबल मिल जाता है, और 33 वॉट का हम लोगों को चार्जिंग मिल जाता है, और बॉक्स में कुछ नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो अभी ये सब साइड में रख देता हूँ, आप लोगों को ये खोल के दिखा देता हूँ कि अडेप्टर कैसा है। तो ये जो अडेप्टर है फ्रेंड, जो कि कंपनी की तरफ से ही हम लोगों को मिलता है, और ये मोबाइल हम लोगों का ओपन हो गया। तो इधर आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं, इसमें जो है 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया। ठीक है, और इसका जो है सिम निकालने का टूल इधर दिया गया, हम लोग इधर से सिम निकाल सकते हैं। और ये हम लोगों को चार्जिंग पॉइंट में ये अडेप्टर लगा के इधर हम लोगों को 3.5 mm का जैक लगा देना, और हम लोगों को 3.5 mm का जैक लगाने के लिए और कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये अभी मैं निकाल देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल बहुत ही स्लिम है, और इसका स्नैपड्रैगन जो है, इसका जो प्रोसेसर की अगर बात करूँ, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है। 870 का प्रोसेसर हम लोगों को मिल जाता है। कैमरे की भी बात करूँ तो कैमरा भी अच्छा खासा हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं, फोकस हम लोग कर सकते हैं इधर आगे पीछे, हम लोगों को कैमरा भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। और अगर लुक की बात करूँ, लुक भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स इसमें। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें आप लोग गेमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो गेमिंग के लिए भी ये अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसका प्रोसेसर जो है वो 870 प्रोसेसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्पीड फ़ोन बहुत है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ का
डिस्प्ले मिल जाता है और आप लोगों को 360 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर हो सकेगा तो आने वाले वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। अगर आप लोगों को इस मोबाइल का पबजी टेस्ट भी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वो भी लेके आ जाऊंगा। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आई होप आप लोग जाके, अगर आप लोगों को और डिटेल चाहिए तो आप लोग वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग ऐसे अनबॉक्सिंग के वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।